गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्पोकन इंग्लिश में आज हम लेटर करेंगे। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू योर कजन्स या ब्रदर्स वेडिंग। आपको अपने दोस्त को पत्र लिखना है या आपकी मतलब सहेली अगर लड़की है तो, और आपके भाई की या कज़न की, कज़न ब्रदर की या कज़न सिस्टर की शादी है उसके लिए आपको अपने दोस्त को इनवाइट करना है। तो ये आप लेटर लिखेंगे। कैसे लिखना है, सबसे पहले अपने दोस्त का एड्रेस लिखेंगे जहाँ पे भी वो रहता है, कोई भी एड्रेस हो जाए। उसके बाद डियर, यहाँ पे फ्रेंड का नाम लिखेंगे कौन है। होप यू आर डूइंग वेल, मैं उम्मीद करता हूँ या करती हूँ कि तुम सही होगे, अपना काम अच्छे से कर रहे होगे। यू विल बी ग्लैड टू नो दैट माई ब्रदर्स और कजन्स वेडिंग हैज़ गॉट फिक्स। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि मेरे भाई या कज़न की शादी फिक्स हो गई है। इट विल टेक प्लेस ऑन डैश, ये इतनी डेट को होगी। यहाँ पे आपको डेट लिखनी है, जो मैंने ब्लैंक छोड़ रखा है यहाँ पे आपको डेट लिखनी है कि 20 नवंबर को है, 20 दिसंबर को है, 2 दिसंबर को, कब है, मतलब डेट आपको लिखनी है। आई विश यू शुड ज्वाइन अस ऑन गोइंग प्रिपरेशन ऑफ द वेडिंग एंड हैव ए ग्रेट फन। मुझे उम्मीद है कि तुम आओगे और हम सारे मिलके खूब मजा करेंगे शादी में। माई मोम हैज़ ऑलरेडी पोस्टेड द वेडिंग इन्विटेशन कार्ड फॉर योर फैमिली, और मेरी मम्मी ने तुम्हारी फैमिली को इन्विटेशन कार्ड दे दिया है, पोस्ट कर दिया है। होप यू विल रिसीव इट ऑन टाइम, और मुझे उम्मीद है कि तुम इसको सही समय पर ले लोगे, मिल गया होगा तुम्हें ये इन्विटेशन कार्ड। प्लीज़ डू कम एट लीस्ट 1 वीक बिफोर विद योर पेरेंट्स, और कृपया करके कम से कम 1 हफ्ते पहले शादी के आ जाना ताकि हम खूब मज़े कर सकें। योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त, नेम, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, डेट, कितनी डेट को आप लिख रहे हो वो डेट आपको लिखनी है। नेक्स्ट है सिंगुलर प्लूरल, एकवचन बहुवचन। फुट एक पैर, फिट दो या उससे ज़्यादा पैर, मैन एक आदमी, MEN, बहुत सारे आदमी, चाइल्ड एक बच्चा, चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे, गूस एक गूस, गीस बहुत सारे गूस, टूथ एक दांत, टीथ बहुत सारे दांत, दो या उससे ज़्यादा मतलब, माउस एक चूहा, माइस दो या उससे ज़्यादा चूहे, लाइफ जिंदगी, लाइफ जिंदगियाँ बहुवचन बन जाएगा इसका, काफ बछड़ा, काव्स बछड़े, इसमें हम F को हटाकर VES लगा देंगे तो ये इसका प्लूरल फॉर्म बन जाएगी। लीफ में ऐसे इसमें करना है, जिसमें भी सिंगुलर में F होता है और हमें उसका प्लूरल बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, F को हटाकर VES लगाते हैं तो उसकी प्लूरल फॉर्म बन जाती है। जैसे लीफ में हमने F को हटाया तो LEAVES लीव्स हो गया, लीव्स मतलब पत्तियाँ, पेड़ की पत्तियाँ बहुत सारी। हाफ ऐसे ही हमने इसमें हाफ में F को हटा के VES लगाते हुए हाफ्स बन गया। मैंगो आम, एक आम, मैंगोज इसमें ES लगाया, मैंगोज मतलब ज़्यादा आम, बहुत सारे आम। मॉस्किटो एक मच्छर, मॉस्किटोज बहुत सारे मच्छर, इसमें भी हमने ES लगाया प्लूरल बनाने के लिए। निग्रो, निग्रो कौन होते हैं, जो अफ्रीका में लोग रहते हैं, एक निग्रो, निग्रोस इसमें भी ES लगाया तो निग्रोस बहुत सारे निग्रोस। तो ऐसे ही सिंगुलर की प्लूरल फॉर्म बनाने के अलग अलग नियम होते हैं, आप इनको अच्छे से याद करेंगे। थैंक यू।